दोस्तों क्या हो अगर किसी लुखे लड़के से एक बेहद ही खूबसूरत लड़की प्यार कर बैठे और साथ में वो लड़की आम लड़की ना होकर बल्कि एक दूसरी दुनिया से आई एक सुनहरी लोमड़ी हो जिसमें कई सारी अनेक शक्तियां छुपी हैं। तो उस लुखे लड़के की तो जैसे किस्मत ही चमक उठेगी। ऐसी आज की हमारी मूवी की कहानी जिसका नाम है हैंसन एंड द बीस्ट। कहानी की शुरुआत हैरी से होती है जो किसी डरावनी आवाज से भाग रहा होता है। बहुत ही ज्यादा डरी हुई हालत में और एक जगह पर आकर वो कुछ ज्यादा ही ऊपर से नीचे गिरने लगता है। इसके साथ सीन शिफ्ट हो जाता है कुछ घंटे पीछे और हैरी को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है अपने बायोडेटा के साथ जो एक लड़की के सामने भीगी बिल्ली बन के बैठा होता है। वो लड़की पैसे वाली थी इसलिए हैरी उससे शादी करना चाहता था, लेकिन हैरी उसके सामने अपनी ये डिमांड रखता है कि वो रोज पलंग तोड़ परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, सिर्फ वीकेंड में एक बार हो सकता है। तो लड़की भड़क उठती है और कहती है कि उसे रोज चाहिए वरना शादी नहीं होगी। इसी बात पर दोनों की बहस छिड़ जाती है और ये रिश्ता होते होते रह जाता है। जिसके बाद उदासी की हालत में हैरी अपने घर जा रहा होता है ये सोचते हुए कि क्यों उसने अपना सारा पैसा भोजपुरी फिल्मों में लगाकर डुबो दिया। क्यों पड़ा इस चक्कर में कि आज उसके पास रहने के लिए घर तक नहीं, वो चिड़ियाघर में रहकर नौकरी कर रहा है। ऐसा ही सोचते हुए घर जा रहा होता है तभी उसके ऊपर एक बेहद ही खूबसूरत लड़की की नजर होती है जो उसे चारों तरफ से बस निहारी जा रही थी। अगले दिन हैरी को उसके डैड की कॉल आती है जो पागलखाने में भरती है, उनका इलाज चल रहा है। नर्स हैरी को बताती है कि अगर कुछ ही दिनों में पैसे नहीं मिले तो उसके पापा को सड़क पर छोड़ दिया जाएगा। हैरी रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि प्लीज वो ऐसा ना करे, वो पैसों के जुगाड़ में लगा है। उसके बाद हैरी दूसरी तगड़ी पार्टी वाली लड़की से मिलने जाता है शादी की बात करने के लिए। वो रेस्टोरेंट में बैठा उस लड़की का इंतजार कर रहा है और एक प्यारी सी किट्टी की तस्वीरें ले रहा है कि तभी उसे वहां पर एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत लड़की दिखती है। ये वही लड़की है जो पिछले कई दिनों से हैरी का पीछा कर रही है। हैरी इतनी प्यारी लड़की को देखकर उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। तभी लड़की हैरी के पास आती है और अपना नाम कायरा बताती है। वो हैरी से बात करने में बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी इसलिए मछली के तैरने वाले बर्तन से पानी भरकर पी लेती है। हैरी को ये बात अजीब तो लगती है। कायरा कहती है कि शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ। वो कुछ और भी बड़बड़ाने लगती है मगर तभी हैरी का ध्यान कुछ और लोगों पर चला जाता है। ये लोग रंगीला ढोन के आदमी थे जिससे हैरी ने कर्जा लिया है, वो उनसे छुपने की कोशिश कर रहा होता है पर इस भोली और नादान लड़की की बकबक की वजह से उन लोगों की नजर हैरी पर पड़ जाती है जो उसे अपने बॉस रंगीला ढोन के पास ले जाते हैं। रंगीला ढोन उसे डेमो दिखाते हुए समझाता है अगर जल्दी से तुमने पैसों का इंतजाम नहीं किया तो बबुआ तुम्हारे सारे पुरजे इसी तरह काट दिए जाएंगे। इस धमकी के बाद हैरी को फिलहाल छोड़ दिया जाता है जिसके बाद हैरी अपने घर चला जाता है। वो रात में अपने घर पर होता है तभी कायरा वहाँ पर ना जाने कैसे धमक पड़ती है। उफ यार ये लड़की कितनी प्यारी है। खैर हैरी को उसे डर लगने लगता है कि ये क्या बला है, जहाँ देखो वहाँ पर धमक पड़ती है। तो कायरा कहती है वो कोई बला नहीं बल्कि एक दुर्लभ प्रजाति की सुनहरी लोमड़ी है जिसे तुमसे बचपन से ही प्यार हो गया है। हैरी ये बात सुनकर उसे लगता है कि उसका ऊपर का माला खाली है इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। कायरा कहती है तुम्हें यकीन नहीं मेरी बातों पर, ठीक है मैं तुम्हें सबूत देती हूँ। पहले तो वो दारू की दो चार बोतलें टिकाती है, इसके बाद सुनहरी लोमड़ी में बदल जाती है। हैरी हैरान हो जाता है कि ये क्या बन गई है। वो घबरा कर उसे भागने लगता है पर वो जिस रास्ते भी जा रहा था वो लोमड़ी उसके सामने आ जाती है और उसका पीछा ही नहीं छोड़ी होती। एक जगह पर आकर हैरी दसवें माले से नीचे गिरने लगता है कि तभी एक खूबसूरत गबरू जवान ऊपर से गुलाटियां खाते हुए वहां पर आ जाता है जो हैरी को बचा लेता है। ये सभी लोग दूसरे दुनिया के लोग हैं जिनमें अलग अलग गुण हैं, कोई बिल्ली है तो कोई चूहा है। ये है कैप्टन जेकब। कैप्टन जेकब यहाँ पर अपनी टीम के साथ कायरा को ये समझाने के लिए आया है कि उसे इंसानों से प्यार करने की इजाजत नहीं, लेकिन कायरा के ऊपर तो अलग ही धुन सवार है। कैप्टन की कोई भी बात का जवाब नहीं दे रही बल्कि और ऊपर से ऑर्डर दे रही है कि हैरी की मरहम पट्टी करी जाए वरना वो मर जाएगा। हैरी की मरहम पट्टी हो जाने के बाद उसे वहीं छोड़ दिया जाता है। अगले दिन सुबह बहुत सारी लड़कियां हैरी के ऊपर बिन बना रही होती है, तभी हैरी उनसे घबरा कर चिड़ियाघर वापस चला जाता है। वहां पर पहले से रंगीला डोन बैठा था उसके इंतजार में। इस बार फिर से वो डेमो दिखाता है जो उसने कल दिखाया था हैरी को, लेकिन इस बार हैरी समझ जाता है कि ये हाथ की उंगली नकली है और बस सिर्फ डराने के लिए लोगों को। वो रंगीला डोन पर इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा भड़कता है। तभी इसी बीच कायरा वहां पर आ जाती है जो रंगीला डोन और उसके सारे आदमी को किनारे करके हैरी को अपने साथ ले जाती है और हैरी से कहती है कि शादी कर लो मुझसे, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। हैरी पहले से बहुत ही ज्यादा परेशान है अपने कर्जों की वजह से, ऊपर से इस लड़की ने और जान कर रखी है उसकी। वो कहता है कि कहीं वो पागल ही ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ कप्तान जेकब से पशुमानव का सबसे होनहार शख्स जो एक ईगल है वो मिलने आता है। उसे किसी पर भी जरा सा रहम नहीं, वो बस अपने काम के रिजल्ट चाहता है जेकब से, जो रिजल्ट है कायरा को ढूंढ लाना, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पशुमानव की दुनिया के लोग किसी भी इंसान के साथ खून का नाता रखे। लेकिन इस नियम को तोड़ रखा है इस झली कायरा ने जो अपना दिल एक इंसान पर लगा बैठी है। दूसरी ओर हैरी रेस्टोरेंट में आज दो लड़कियों से मीटिंग करने के लिए जाता है कि तभी वहां पर कायरा आ जाती है जो हैरी पर गुस्सा करने लगती है कि मैं तुम्हें दुनिया भर की खुशियां देना चाहती हूं और तुम ना जाने क्यों आए दिन अलग अलग लड़कियों से मिलकर मेरा दिल जलाते रहते हो। कायरा गुस्से में उसके कपड़े भी फाड़ देती है तो हैरी को इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। इसके बाद हैरी वहां से चला जाता है। वो घर के रास्ते में ही था तभी सुनसान सड़क पर उसे कमांडर ईगल मिलता है जो उसे ऑफर देता है कि तुमने अगर कायरा के गर्दन में सुई चुभो तो इसके बदले तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे जिससे तुम अपने सारे कर्ज उतार सकते हो, तुम्हें दो दिन का टाइम दिया जाता है सोचने के लिए। ऐसा कहकर कमांडर अपने साथी के साथ वहां से निकल जाता है। कमांडर की दी गई ऑफर को मद्देनजर रखते हुए हैरी ये डिसाइड करता है कि वो इंजेक्शन कायरा के गर्दन में लगा देगा जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अब कायरा उसे एक मेले में मिलती है जो बोतल्स को इकट्ठा कर रही है। वो हैरी से कहती है ये लो मेरी आज की कमाई और भी बहुत सारे पैसे कमा कर दूंगी तुम्हें जिससे तुम्हारा सारा कर्जा चुकता हो जाएगा, लेकिन बस तुम्हें दूर नहीं होने दूंगी अपने से। कायरा की ये बात सुनकर हैरी का मन भरा था और वो अपने हाथों में पकड़ा हुआ इंजेक्शन फिर से अपनी जेब में डाल देता है और उसे ये एहसास हो गया था कि ये छली उसे कितना चाहती है और वो यहाँ पर सबके सामने
सामने उसे किस कर लेता है। जिसके बाद चारों तरफ ही रोमांटिक माहौल बन जाता है। वो कायरा से कहता है कि अगर मैं लड़की होता तो जरूर मैं उस होटल में जाता पैसे कमाने के लिए, जहाँ पर लड़कियों के लिए बहुत सारे पैसे हैं। कायरा हैरी की ये बात सुनकर पैसे कमाने के लिए वहाँ पर चली जाती है। एक वैशाली जहाँ पर एक हबीब भी बहुत सारी चिकनी टांगों के साथ खेल रहा है। कायरा भी वहाँ पर अपना जलवा बिखेरने लगती है। तभी हैरी वहाँ पर आ जाता है और उसे रोक लेता है। वहीं दूसरी तरफ कमांडर ईगल भी अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ जाता है, लेकिन जब तक ईगल कायरा तक पहुँच पाता उससे पहले हैरी उसे वहाँ से भगा कर ले जाता है। हैरी कायरा को घर ले जाता है, जहाँ पर कायरा अपनी और उसकी हथेली में थोड़ा सा घाव देकर कसकर पकड़ लेती है दोनों हाथों को और कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। इसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। हैरी कहता है तो अब सुहागरात की बारी है। तो कायरा कहती है हाँ, पर धीरे से करना, ये मेरा पहली बार है। वो उसे धक्का मारकर बेड पर लेटा देती है और खुद को भी हवा के साथ उड़ाती हुई उसके ऊपर आ जाती है। अब हैरी की टी शर्ट उतार लेती है और उसके साथ अपने कपड़े भी उतार लेती है। इन दोनों में बहुत ही ज्यादा प्यार है और ये बात यहाँ पर हमें दिख रही है। इस प्यारी से सुहागरात हो जाने के बाद अभी यहाँ पर कमांडर ईगल अपनी टीम के साथ आ जाता है कायरा को पकड़ने के लिए। वो कायरा से कहता है कि बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी, अब चलो हमारे साथ। ये बातें उनके बीच चल ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पर अचानक जेकब आ जाता है, जो कमांडर ईगल को अपनी बातों में उलझा कर कायरा और हैरी को वहाँ से भागने का मौका देता है। जिस मौके का फायदा उठाकर कायरा लोमड़ी बन जाती है और हैरी को अपने पीठ पे बिठा कर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन कमांडर ईगल कोई बच्चा नहीं था जिसकी नजरों से छुपा जा सके। वो अपनी तेज नजरों से कायरा को दूर से गन की मदद से जहरीला इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से कायरा दर्द से तड़पने लगती है। वो अब किसी महिला को फोन करती है, जो महिला थोड़ी देर में वहाँ पर आ जाती है। वो अपनी वैन में बिठाती है और कायरा के जख्मों पर मरहम भी लगाती है, जिससे कायरा को थोड़ी सी राहत मिलती है दर्द से। लेकिन वो चिपकू बास अभी भी कायरा और हैरी का पीछा कर रहा होता है, इसलिए लैला कायरा और हैरी को अपने साथ फिल्म सिटी ले जाती है, जहाँ पर आज पशु मानव की शूटिंग चल रही है। मगर वहाँ भी पीछा करते हुए बास आ जाता है, जो हैरी के बाबा को भी अपने साथ ले आता है और हैरी से कहता है कि अगर तुमने कायरा को इंजेक्शन नहीं लगाया तो तुम्हारे बाबा की खैर नहीं। कायरा भी उनकी ये बातें सुन रही होती है, जो हैरी और उसके बाबा की जान के सामने अपनी जान की परवाह न करते हुए खुद ही वो इंजेक्शन अपनी गर्दन में डाल देती है, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा दर्द में तड़पने लगती है। अब कमांडर ईगल का यहाँ पर आने का मकसद पूरा हो चुका था, जिसके बाद वो अपनी टीम के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कहानी अब 3 महीने आगे चली जाती है, जिसमें हैरी को दिखाया जाता है। उसे पैसे तो मिल गए थे कायरा को इंजेक्शन लगाने के बाद, मगर उसके दिल में अभी तक कायरा बसी हुई थी। हैरी के बाबा का इलाज होने की वजह से उनकी तबीयत में सुधार आने लगता है। वो हैरी से कहते हैं कि अगर अपने प्यार को फिर से पाना चाहते हो तो जाओ दुश्मनों के खेमों में, जहाँ उनके पिछवाड़े में बम्बू घुसेड कर अपने प्यार को उनसे आजाद करके ले आओ, वरना हमेशा के लिए जिंदा लाश बने फिरोगे। अब हैरी को भी उसके साथ बिताए हुए लम्हों की यादें बहुत ही ज्यादा सताने लगती है। आज वो चिड़ियाघर के उस गेस्ट हाउस में जाता है, जहाँ पर कायरा और उसके बीच कई सारी यादें बनी थी। लेकिन वहाँ पर कैप्टन जेकब भी सोया होता है, जो गुस्से में टूट पड़ता है हैरी पर। तो हैरी उसे शांत करते हुए इतना गुस्सा करने की वजह पूछता है, तो बताता है कि कायरा ने तुम्हारी वजह से कुर्बानी दी, तुम्हें नहीं पता मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। आज भी वो जिंदा है, मगर है कमांडर की कैद में, जिसने उसके मन में पूरी तरह से जहर घोल दिया है, वो पूरी तरह से बदल गई है। हैरी जेकब की ये बातें सुनकर कहता है कि चाहे कितना भी मुश्किल रास्ता क्यों ना हो, मैं अपने प्यार को आजाद करके रहूंगा उस दुष्ट बाज से। वो जेकब से कहता है तुम बस मुझे रास्ता बताओ कायरा तक पहुंचने का। तो जेकब कहता है ठीक है। सबसे पहले वो हैरी को एक मोटे आदमी के पास ले जाता है, जो लोगों के चेहरे बदल देता था। वो हैरी के चेहरे को भी कमांडर ईगल का चेहरा बना देता है और उसके बाद पशु मानव की दुनिया में पहुंचा देता है, जहां पर हैरी को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा होता कि वो नकली कमांडर ईगल है। अब हैरी यहां पर जेल की निगरानी करने वाले सबसे भरोसेमंद सिपाही को बुलाता है और उसे कहता है कि कायरा के पास उसे ले जाया जाए, जिसके बाद वो सिपाही हैरी को कायरा के पास ले जाता है। कायरा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, उसके मन में पूरी तरह से कूट कूट कर जहर भर दिया गया है। हैरी अपना मास्क उतारकर उसे चेहरा भी दिखाता है, मगर वो पहचान ही नहीं पा रही होती हैरी को, इसलिए वो कायरा से पूछताछ करने का बहाना बनाकर उसे वहां से ले जा रहा होता है कि तभी वहां पर कमांडर ईगल आ जाता है, जिनकी वजह से हैरी का भांडा सबके सामने फूट जाता है। अब कमांडर ईगल हैरी को मारने वाला होता है, तभी जमीन से एक कैदी इंसान सुरंग बनाकर वहां से बाहर निकलने लगता है और उसके साथ कुछ और भी साथी होते हैं उसके। ये सभी लोग रंगीला डॉन उसके आदमी होते हैं, जिन्हें कमांडर ईगल ने पिछले 3 महीने उसे बंदी बनाकर रखा था। वो कहते हैं कि आज कमांडर को नहीं छोड़ेंगे, जिसके बाद एक आदमी जेल का मेन स्विच खोल देता है और मेन स्विच को खोलते ही सभी कैदी वहां से आजाद हो जाते हैं और आजाद होकर टूट पड़ते हैं कमांडर ईगल पर, जिसके बाद उसके सारे पंख नोच लेते हैं। मगर फिर भी वो नहीं मरता, बल्कि सभी लोगों पर गोलियां बरसाने लगता है और कहता है उसे किसी की परवाह नहीं। उसकी ये सारी बातें टीवी पर लाइव चल रही होती है, जिस लोगों को ये पता चल जाता है कमांडर ईगल इंतहाई घटिया और कमीना इंसान है। उसकी सच्चाई पता चलने के बाद पुलिस वहां पर आ जाती है और उसे जेल में डाल देती है। इसी के साथ कमांडर ईगल की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब एंड में हमें ये दिखाया जाता है कि कायरा पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और उसने हैरी से शादी भी कर ली है।